गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल बजटिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन का एक टॉपिक पे बैक पीरियड दैट इज पे बैक पीरियड का प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। देयर आर टू अल्टरनेटिव मशीन, यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। तो पहले पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी सोचेंगे। ठीक है, तो पहले पे बैक पीरियड आएगा, उसके बाद पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी होगा। मशीन एक्स मशीन वाई, ये देखिए वो परचेज प्राइस 25,000 और 42,000 दिया। दिस इज कॉल्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसी को इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। 2542 लाइफ ऑफ द मशीन 8 और 10। नेट अर्निंग, यहाँ देखिए आफ्टर टैक्स बिफोर डिप्रिसिएशन, ये हो गया कैश इनफ्लो, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लेकिन डेप्रिसिएशन ऐड करके है, इसीलिए लिखा है आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, ये हो गया कैश इनफ्लो 5,000 और 6,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैश इनफ्लो से डिवाइड करेंगे तो पे बैक पीरियड आ जाएगा, यहाँ पर 5 ईयर्स, यहाँ पे 7 ईयर्स। उसके बाद हम लोग पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मशीन एक्स मशीन वाई। सबसे पहले पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट कैश इनफ्लो, डिवाइडेड बाय नेट कैश इनफ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट कैश इनफ्लो, यहाँ इन्वेस्टमेंट 25,000 था और कैश इनफ्लो 5,000 था, तो यहाँ आंसर आया 5 ईयर्स। यहाँ पे आपका 42,000 था, इनफ्लो आपका 6,000 था, यहाँ आंसर आया 7 ईयर्स। तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनफ्लो 5 ईयर्स और 7 ईयर्स, पोस्ट पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक पीरियड इसको बोलते हैं लाइफ ऑफ मशीन माइनस पे बैक पीरियड। यहाँ लाइफ ऑफ द मशीन 8 ईयर्स था, अब पे बैक 5 था, आंसर आया 3 ईयर्स। यहाँ लाइफ 10 था, आंसर आया 7, तो ये भी हो गया 3 ईयर्स। क्लियर, तो सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट को नेट कैश इनफ्लो से डिवाइड किए तो आ गया पे बैक पीरियड। अब कैलकुलेट किए पोस्ट पे बैक पीरियड, लाइफ में से पे बैक को माइनस किए, पोस्ट पे बैक आ गया। अब आएगा पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, ये होगा पोस्ट पे बैक पीरियड इनटू एनुअल कैश इनफ्लो। यहां देखिए, यहां पोस्ट पे बैक पीरियड 3 है, एनुअल कैश इनफ्लो 5,000 है, तो यहाँ आंसर आया 15,000। यहाँ भी 3 है बट 6,000, यहाँ आंसर आया आपका 18,000। ओके, तो सबसे पहले जब पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी लाना है तो पहले आप पे बैक पीरियड ले आओ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय इनफ्लो करो, पे बैक पीरियड आ गया, लाइफ से पे बैक पीरियड माइनस करो, पोस्ट पे बैक पीरियड आ जाएगा। पोस्ट पे बैक पीरियड को एनुअल कैश इनफ्लो से इनटू कर दिया जाए तो आ जाएगा पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।